हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम आलू की सब्जी बनाएंगे। आलू की सूखी सब्जी बनाएंगे और इसमें हम उबले हुए आलू का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बिल्कुल झटपट तैयार हो जाएगी। चलिए फिर झटपट हम रेसिपी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू को उबाल कर अच्छे से ठंडा करके उसके बाद काट लिया है। अच्छे से ठंडा करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गरम गरम काटने जाएंगे तो ऐसे बिल्कुल शेप में काटेगा नहीं, ये बिखरने लग जाता है। तो अपनी पसंद के हिसाब से काट लीजिए और बाकी जो कुछ चाहिए मैं बनाते बनाते दिखाती हूँ। पहले हम तेल डाल देते हैं कढ़ाई में। पहले तेल के साथ कढ़ाई को बहुत अच्छे से गर्म करना है, और ये लोहे की कढ़ाई है तो बहुत अच्छे से गर्म करने के बाद ये बिल्कुल नॉनस्टिक जैसा काम करता है। तो तेल को मैं बहुत अच्छे से फैला देती हूँ और बहुत अच्छे से, मतलब बिल्कुल धुएँदार गरम करना है। उसके बाद हीट को लो करके कढ़ाई को थोड़ा सा ठंडा करेंगे। उसके बाद हम इसमें जीरे सरसों जो भी डालना है डाल देंगे। तो देखिए, मैंने कढ़ाई को थोड़ा ठंडा कर लिया, धुएँदार गरम हो गया था। अभी मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून जीरे और 1/2 टीस्पून सरसों। जीरे सरसों बहुत ही अच्छे से चटक चुके हैं, आप देख सकते हैं कढ़ाई बहुत ही गर्म है। तो अभी हमने डाल दिया है प्याज। यहाँ पर मैंने एक बड़ा साइज का प्याज लिया था और बारीक बारीक काट के रखा था। प्याज के साथ साथ ही हम लहसुन भी डाल देंगे, क्योंकि इतना डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है टाइम की। यहाँ पर मैंने 10 कलियाँ लहसुन को छोटे छोटे काट के रखा है। प्याज और लहसुन को थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा हल्का ब्राउन कलर आने देंगे। और प्याज को हम नमक डाल के भूनेंगे, नमक और हल्दी। यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हल्का लाल लाल करके भून लेंगे। क्योंकि मैंने हल्दी डाल दिया है तो कैमरा में इतना समझ नहीं आता है, लेकिन आपको भूनते समय ज़रूर समझ आएगा। प्याज और लहसुन फ्राई हो चुके हैं, अभी हम टमाटर डाल देंगे। एक बड़ा साइज़ का टमाटर लिया था मैंने, बारीक बारीक काट के डाल दिया मैंने, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर डालने के बाद हम कुछ मसाले डालेंगे। तो मसालों में हम डालेंगे स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो आप हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। और इसके साथ जो सीक्रेट मसाला, ये है ये मैगी मसाला, जो बाज़ार में आता है मैगी मसाला है मैजिक। ये 5 रुपये का पैकेट है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसलिए मैं पैकेट नहीं दिखा रही हूँ। तो 5 रुपये का पैकेट मैंने लिया है और पूरा ही ले लिया, इसमें 1 टेबल स्पून जितना होता है। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे, और कोई मसाला हमें नहीं डालना है। आप चाहे तो डाल सकते हैं, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा धनिया का पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैगी मसाला डालने से सारा का सारा काम हो जाता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर आलू डाल दिया, जो कि उबले हुए आलू काट कर रखा था। अपनी पसंद के साइज़ में काट सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आलू हमारा पहले से उबला हुआ है, इसीलिए ज़्यादा देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं है। 2-3-4 मिनट जो भी आपको पसंद, उतनी देर तक आप लगातार चलाते हुए ऐसे भून लीजिए। तो मैंने भी भून लिया है। अभी निकालने से पहले हम डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, जो मैंने अच्छे से धोकर काट कर रखा था पानी झड़ा कर, और थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। और इसके साथ साथ हम डालेंगे भुने हुए मूंगफली का पाउडर। मूंगफली को नॉर्मली रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके जैसे हम करते हैं रेगुलरली, वैसे रोस्ट करके ठंडा करके मिक्सी में बारीक करके रखा है। तो उसमें से हम 3-4 चम्मच जो भी पसंद डाल देंगे। और ये पाउडर बहुत ही महीन पाउडर नहीं है, थोड़ा दरदरा सा पाउडर है। और इस पाउडर को डालने से इस सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी ज़रूर डालने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपको मन ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डालने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए, मैंने थोड़ा मिक्स कर लिया और 1-1.5 मिनट के लिए चला लिया। अभी सब्जी तैयार है, तो हीट बंद कर देंगे और सब्जी को सर्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है, बिल्कुल 5 मिनट लगता है इस सब्जी को बनाने में, और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। रोटी चपाती के साथ भी खा सकते हैं और दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, और ट्राई किया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए यहाँ तक ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए सेफ रहे, स्वस्थ रहे और खाते रहे। बाय बाय।